मेम साहब, क्या नहीं है, जमीन है, आसमान है, हम है, आप है, पहाड़ी है, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, आपको हमारा नाच पसंद है? कमाल का नाचते हो तुम दोनों। अजी कमाल तो देखा ही कहाँ है अभी आपने, कमाल तो ये है कि भेद बताए सारा दिल का देख के उल्टे हाथ की रेखा। तो क्या तुम ज्योतिषी हो? अजी ज्योतिषी तो जन्म पत्रियों से खेलते हैं और हम हाथ की रेखाओं से। लाइए अपना हाथ, चलो दिखाने दीजिए ना। 5 रुपए। हरा क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? मोहब्बत में दिल खो गया। खैर कोई बात नहीं, इस उम्र में तो ये बीमारी उड़कर लगती है। एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़? मामूली सी, जिसे आप मोहब्बत करती हैं उसका हिसाब पूरा नहीं बैठता। तो फिर? फिर उसका हाथ देखना पड़ेगा। दिखाइए ना। मैं ज्योतिष व्योतिष नहीं मानता। ना मानिए, लोग तो भगवान तक को नहीं मानते। क्या बकवास है, तुम बता सकते हो तुम्हारा सर कब फूटेगा? जी हाँ बता सकता हूँ सर। नो सर, मैं बताता हूँ। आ जाते वक्त बर्बाद करने। जी हम कहाँ आए थे, आप ही खुद सामने आ गए थे ना। क्या था? कुछ नहीं। तुम भी खानों का हाथ दिखाने बैठ जाती हो। तो क्या हुआ, जरा मजाक ही रहा। मैं जानती हूँ आपने हाथ क्यों नहीं दिखाया। क्यों? पोल जो खुल जाती उसने तो बिना हाथ देखे ही बता दिया कि हिसाब पूरा नहीं बैठता। किसका? आपकी मोहब्बत का और किसका? तो वो सच्चा और मैं झूठा। बुरा मान गए, मैंने तो मजाक किया था। तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल में क्या है? मुझे मालूम है, माफ कर दो। वादा करो फिर ऐसी बात कभी नहीं करोगी। वादा? कान पकड़ो। हाँ पकड़ो। तो नहीं है? कहाँ गए? शायद डॉक्टर पुरी के आ गए हैं। डॉक्टर पुरी के? जी हाँ, उनके जाने के बाद ही वहां से फोन आया था। मिस्टर सुरेश को टेलीफोन कर दिया था? जी हाँ, वो आते ही होंगे। सुनो मैं तो बाहर जा रहा हूँ, अगर वो आए तो उनसे कहना कि उषा देवी के बारे में लंदन से जवाब आ गया, डॉक्टर लॉरेंस अभी तक कामयाब नहीं हुए, मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। सुनो, कुछ कहने की बजाय वो रिपोर्ट ही उन्हें दे देना। बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब हैं? जी वो तो अभी बाहर गए। सुरेश बाबू आए थे? आए तो नहीं लेकिन आने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उनके लिए ये चिट्ठी दे गए हैं। ये चिट्ठी मैं दे दूंगी उन्हें। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, वो हमारे यहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब तो बाहर गए हैं, आपके लिए एक चिट्ठी दे गए थे, मिली आपको? कहाँ भेजी थी आपने, बंगले में? जी भेजी तो नहीं, अभी अभी आपके बंगले से एक लेडी आपके बारे में पूछने आई थी, वही ले गई। कौन, उषा? जी मैं जानता नहीं। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डॉक्टर लॉरेंस अभी तक कामयाब नहीं हुए और जी मैं कह नहीं सकता। लेकिन आपने उषा को ये चिट्ठी दी क्यों? क्या आपने इतनी समझ नहीं कि कौन सी चिट्ठी? मुझे तुम डॉक्टर के पास लाई हो।
मैं कोई चिट्ठी नहीं लाई। मजाक अच्छा नहीं उषा, बहुत जरूरी चिट्ठी ला। नहीं बताना चाहते तो मैं मजबूर तो नहीं कर रही थी, चिट्ठी फाड़ने की क्या जरूरत है? ये बात नहीं उषा, मैं खुद इतना परेशान हो गया था कि मैंने परेशान क्यों? क्या बताऊं? बताइए ना उषा। आप नहीं बताएंगे तो मैं डॉक्टर से खुद पूछूंगा। मैं बताता हूँ उषा, बात यह है मैंने तुमसे उस दिन जिक्र किया था ना, वो लखनऊ मेरे एक अजीज दोस्त हैं, वो सख्त बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा यहाँ उनका इलाज हो नहीं सकेगा, उन्हें लंदन जाना पड़ेगा, इसलिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है, वो लंदन क्यों नहीं चले जाते? तुम समझती हो सब तुम्हारी तरह अमीर हैं। तो इनके पास रुपए नहीं है? 8-10 हजार का मामला है, वहाँ तो खाने तक के ला लें। अरे बेचारे। छोड़ो उनको, परेशान हो रही है। आप परेशान हो और मैं परेशान ना। उषा इतनी भोली और मासूम है कि मुझ जैसे आदमी कभी उसे धोखा देने को जी नहीं चाहता। वैसे ही बेचारी थोड़े दिनों की मेहमान है, मुझसे मोहब्बत भी इतनी करने लगी है कि रजनी को लिखना ठीक होगा। लिखो मैडम रजनी, साथ में देवी भी लिख डालो। ये फोटो को देखकर तुमको पता चल जाएगा कि सुरेश उषा से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत कर रहा है या धोखा दे रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्या पता। आइडिया, इधर आओ, कान पकड़ो। पकड़ो मैं कहता हूँ। लो मेरी, तुम मेरी हो ना? क्या मेरा मतलब है, इस फोटो में भी सुरेश उषा से यही कह रहा होगा। यही कहकर सब मर्द औरतों को धोखा देते हैं, देखो पिंटो। अरे मेरा मतलब है, वो उसे धोखा दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। देखो पिंटो, मैंने तुमसे लखनऊ में ही कह दिया था, अगर मुझे साथ ले जाना है तो ये मोहब्बत मोहब्बत का चक्कर यही छोड़ दो, समझे? मुझे टिकट मंगवा दो, मैं आज ही चली जाऊंगी। अरे हाँ, अभी इस वक्त। पिंटो पिंटो पिंटो, नहीं उठते, मैं जाती।